टी20 वर्ल्ड कप का मार्का पाकिस्तान और स्कॉटलैंड आमने सामने। 190 रन के अदब के ताकुब में स्कॉटलैंड की बैटिंग जारी। शुएब मलिक की धुआंधार बैटिंग, 6 छक्के और 1 चौका लगाया, 54 रन बनाए। इवेंट में तेज तरीन ने सेंचुरी का रिकॉर्ड बराबर किया। बाबर आजम भी 66 रन बनाकर नुमाया। मोहम्मद रिजवान क्लेंडर ईयर में टी20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ डाला। मोहम्मद रिजवान ने 2021 में 1,666 रन बना लिए। क्रिस गेल ने 2015 में 1,665 रन बनाए थे। भारत के अरमानों पर रोस पड़ गई। टी20 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर। दिल्ली की फ्लाइट पकड़ने के लिए तैयार न्यूजीलैंड ने सेमीफाइनल की सीट पक्की कर ली। अफगानिस्तान को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। 125 रन का हदफ आसानी हासिल कर लिया। कप्तान केन विलियमसन 40 रन बनाकर नुमाया रहे। वर्ल्ड कप में भारत का ख्वाब चकनाचूर होने के बाद दिलचस्प मीम्स का तूफान आ गया। सारिफीन ने भारतीय क्रिकेट टीम पर तंज करते हुए मजे मजे की मीम्स शेयर की। इंडियन टीम के खिलाड़ियों के मुस्तकबिल की मीम्स के भी चर्चे। अशिया की कीमतों में आलमी सतह पर गैर मामूली इजाफा हुआ। कोरोना लॉकडाउन से पूरी दुनिया बुरी तरह मुतासिर हुई। वज़ीर आज़म इमरान खान की फिर वजाहत। ट्वीट में लिखा, पाकिस्तान में दीगर ममालिक की निस्बत सूरत हाल बेहतर है। मौसम सरमा में गैस बहरान से बचने की कोशिश। हुकूमत का एलएनजी का महंगा तरीन कार्गो खरीदने का फैसला। नवम्बर के लिए 1 एलएनजी कार्गो 30.65 डॉलर फी MMBTU में खरीदा जाएगा। तारीख की महंगी तरीन एलएनजी की खरीदारी जुल्म और बड़ा स्कैंडल है। मुजरिमाना रवैये की कीमत अवाम से वसूल की जाएगी। शहबाज शरीफ की तनकीद, दस्का रिपोर्ट पर वज़ीर आज़म से इस्तीफा मांग लिया। बोले, इमरान नियाजी बताएं वोट चोरी साबित हो चुकी, अब किस चीज का इंतजार है, खुद को कानून के नीचे लाएं। दस्का इलेक्शन चोरी करने की पूरी साजिश तैयार की गई, हिकमत अमली बनाई गई। मीटिंग में PTI के लोग शामिल थे। शाहिद खाकान कहते हैं डेप्टी कॉलेजेस सियालकोट ने वोटिंग सुस्त रखने की हिदायत दी। SHO प्रिजाइडिंग अफसरान को धमकियां देते रहे। पुलिस को मुदाखलत ना करने का कहा गया। तब्दीली मुल्क के लिए तबाही बन गई है। मौजूदा हुक्मरानों की वजह से अवाम के लिए जिंदगी गुजारना मुश्किल तर हो गया। सरबरा जेजुआई मौलाना फजलुर रहमान का वाना में जलसे से खिताब। पोले फाटा के इंजमाम से कबाइल की बर्बादी हुई। किसी को कबाइल पर अपनी मर्जी मुसलत नहीं करने देंगे। मुल्क में डेंगू ने पंजे गाड़ लिए। पंजाब में मजीद 5 अफराद दम तोड़ गए। कराची से 52 केसेस सामने आए। कोरोना दम तोड़ने लगा। मुस्बत केसेस की शरह कम होकर 1% रह गई। मजीद 471 नए केसेस रिपोर्ट हुए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।